आज हम बनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल पकवान जो कि है खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने का अलग ही महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से आरोग्य में वृद्धि होती है, आप निरोग रहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खिचड़ी। इसके लिए मैंने एक कटोरी चावल लिए हैं, ये मैंने छोटे वाले चावल लिए हैं, ये देखिए, और आधा कटोरी काली दाल ली है या उड़द दाल ली है, ये मैंने छिलके वाली दाल ली है। अब इन दोनों चीजों को मैं 10 मिनट के लिए भिगो दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, चावल और दाल भीग कर रेडी हो गए हैं। सबसे पहले गैस को ऑन कर लेंगे, गैस को धीमी आंच पर रखेंगे क्योंकि आज हम ये मिट्टी के पॉट में बनाने वाले हैं। ये देखिए, इसमें मैंने नीचे से मिट्टी लगा ली है जिससे ये चटकेगा नहीं। इसको हल्की आंच पर पहले इसको हम गर्म होने देंगे, और अगर आंच को हम तेज कर देंगे तो ये चटक जाएगा, इसलिए इसको हम धीमी आंच पर ही बनाएंगे। ये पॉट जो है हल्का सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे, देसी घी डाल रहे हैं इसमें हम। और अब हम इसमें दो तेज पत्ता डालेंगे, तीन लौंग डालेंगे, चार से पांच काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा, और ये मोटी वाली इलायची, इसको हम तोड़ लेंगे इस तरह से और इसको डाल देंगे। और एक चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे, इसको चटकने में थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि गैस को हमने धीमा कर रखा है, इसलिए टाइम लगेगा। ये देखिए सारे मसाले हो गए हैं, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। और साथ में दाल भी डाल देंगे। और अब नमक डालेंगे स्वादानुसार, और अब इसको हल्के हाथों से चला देंगे। गैस को धीमा ही रखेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी हम उसी कटोरी से डालेंगे जिससे हमने चावल का माप लिया था। और इसमें हमने डेढ़ कटोरी ही पानी डाला है, ये देखिए, इसमें पानी थोड़ा सा कम ही लगेगा क्योंकि चावल और दाल भीगे हुए हैं और साथ ही ये धीमी आंच पर पक रहा है, तो इसमें चावल और दाल जल्दी पक जाएंगे, वो भी कम पानी में। अब इसको हम ढक देंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब हमें इसको खाना किसके साथ है खिचड़ी को, आइए उसकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे, इस पर एक बर्तन रखेंगे, और इसके लिए मैंने यहाँ पर ये फ्रेश मलाई ली है, दूध में से अभी निकाली है, इसको हम गर्म कर लेंगे।
ये खिचड़ी फ्रेश घी के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसका हम घी निकाल लेंगे। घी बनकर रेडी हो गया है, गैस को ऑफ कर देंगे हम। इसी तरह से घी रखना है, ज्यादा डार्क नहीं रखना है। ये देखिए अब हम इसको गैस से नीचे उतार लेंगे, वरना ये और डार्क हो जाएगा इसका जो मैयर है। और इसके साथ ही हम लाल मिर्च को भून लेंगे। इस तरह से मिर्च को पकड़ लेंगे हम। ये देखिए अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह पकड़ लेंगे हम। ये इतना बचा है अभी भूनने के लिए। मिर्च भूनकर रेडी हो गई है। इसी तरह से हम चारों मिर्च भून लेंगे। मिर्च भूनकर रेडी हो गई है। आइए इधर खिचड़ी को चला देते हैं। खिचड़ी देखिए बनकर रेडी हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। मिर्ची लगा देंगे इसमें हम। और अब हम इसमें घी डालेंगे फ्रेश वाला। और इसको धनिया से गार्निश करेंगे हम। मकर संक्रांति स्पेशल खिचड़ी बनकर रेडी है।